पॉलिटेक्निक एकेडमिक स्टाफ ने जम्मू में सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ऑल जे एंड के पॉलिटेक्निक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल सूदन का कहना है कि सरकार से उनकी मांग थी कि उनके कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, उनकी नौकरी पक्की की जाए, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन आज जम्मू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार आने वाले समय में उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है और उनके कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता है, तो वो सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। बहुत दुख की बात है, तमाम फरियादों के बाद, उनके पास जाने के बाद भी वो हमारी मांगों को सीरियस नहीं लेते, जिसके मद्देनज़र आज हमें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है और हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर आने वाले दिनों में हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती, हमारे निकाले गए स्टाफ को वापस नहीं लिया जाता, हम इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे, आने वाले दिनों में मंत्रियों और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे।